और सब गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, आपने भी दुआ लगा फजल है। सो वंस अगेन टुडे वी आर गोइंग टू शूट वन ऑफ द अमेजिंग एंड फैंटास्टिक व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि उम्मीद है कि आप सबको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो और अभी कुछ काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मुझे फीस ज़्यादा थी, एक तो काम बहुत ज़्यादा थे, और दूसरी जो बात थी हमारी मेडिकल की क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल, और हमारा हॉस्पिटल भी चल रहा है आजकल, तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज कभी मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं आप दोस्तों के साथ एक अच्छा सा व्लॉग, एक अच्छी सी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग इन तक देखिए और वीडियो से जाने की कोशिश ना करें। तो ओके, लेट गो एंड स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। पॉइंट इस तरह है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कह रहे हैं कि हमें चाइना कब बुला रहा है। वो तो जाहिर बात है फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है 21 का। तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट है तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे एज सून एज पॉसिबल। तो अभी के जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो उसके बाद और भी जो रिमेनिंग है तो वो भी सेकंड पेज में इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे नानचंग यूनिवर्सिटी में, और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी यहाँ पे आएंगे। तो क्वेश्चन ये था, और सेकंड जो बात थी, बार बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार हमें जस्ट के अगर क्लियर ना हो तो क्या हम मेजर में प्रमोट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं आप लोग को हर एक वीडियो में ये पॉइंट क्लियर करके बताता हूँ कि यहाँ चाइना के यूनिवर्सिटी का रूल ये कि आप लोगों ने सबसे पहले HSK4 क्लियर करना है, आफ्टर डेट आप लोग को मेजर में प्रमोट किया जाएगा। तो अगर आप लोग मेडिकल में एडमिशन ले लेते हो तो उसमें सारी बात है कि फर्स्ट ईयर आप लोगों ने मेडिकल चाइनीज पढ़नी है, आफ्टर डेट आप लोगों ने मेडिकल के क्लासेस पढ़ने होंगे। हाँ, अगर आप पहले HSK4 क्लियर कर देते हो तो आपको डायरेक्ट मेजर में प्रमोट किया जा सकता है, आपको वन लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्या हम यहाँ हमारे नानचंग यूनिवर्सिटी में दो डॉर्मेट्रीज है, एक मेडिकल कैंपस है और एक है इंटरनेशनल एक्सचेंज कॉलेज। तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में जा सकते हैं डॉर्मेट्री में या नहीं। तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवा दूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नोटिस में जो डॉर्मेट्री में एडमिशन है तो वो उसी को जाएगा। हाँ, अगर आपके डॉर्मेट्री में 4600 फीस मेंशन है तो डेफिनेटली आप जाओगे मेडिकल डॉर्म, क्योंकि वहाँ के डॉर्मेट्रीज का जो फीस है 4600, और जिस एडमिशन नोटिस में 5000 लिखा हुआ है तो वो डेफिनेटली आएंगे इंटरनेशनल एक्सचेंज कॉलेज में जो यहाँ की डॉर्मेट्री है। तो ये जो हैं, हाँ अगर आपके एडमिशन नोटिस के अंदर 4600 लिखा हुआ है और आप जमा करवा दें 5000 और आप कहते हैं कि नहीं मैंने इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ये गलती ना करें कि आप लोग 5000 की फीस जमा करें और उसी से बात करें कि हम नहीं इधर जाना उधर जाना, ये कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपके एडमिशन नोटिस के अंदर मैंशन है उसी के मुताबिक एवरीथिंग होगा। तो ये था पॉइंट नंबर टू। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बीच के स्टूडेंट को काफ़ी लोगों को बुलाया हुआ है और हमें नहीं बुलाया हुआ, ये क्या मसला है। तो कह रहे हैं कि हम 21 बीच के स्टूडेंट थे तो हम अभी तक नहीं बुलाया हुआ है, हमारी जेडब्ल्यू अभी तक नहीं आई है। मैं आप लोगों को ये पॉइंट भी बता दूँ, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू था, किसी का HSK4 जो था वो लेट क्लियर किया, किसी ने 21 के बेचे से जितने भी स्टूडेंट थे वो काफ़ी सारे आ चुके हैं मोस्टली, तो जो मिसिंग है शायद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगा या उनका जो HSK4 है उन लोगों ने वो लेट क्लियर किया होगा, तो ड्यू टू दिस रीज़न वो लोग अभी जो सेकंड बेच आ रहा है उसमें आएंगे। और आने का जो वे हैं, हमारे काफ़ी लोग मोस्टली स्टूडेंट्स टिकट जो लेते हैं लाहौर से इस्लामाबाद से डायरेक्ट लेते हैं गुआंगचू तक, आफ्टर गुआंगचू वो ट्रेन लेते हैं टू नानचंग एंड फ्रॉम नानचंग टू नानचंग यूनिवर्सिटी। तो इसमें इस तरह है कि आप लोग मोस्टली कोशिश करें कि आप लोग की फ़्लाइट जो चाइना में आ रही है वो रात की ना हो, वो अगर रात की होगी तो आप लोग अगर यहाँ पर रात के 10 बजे पहुँच जाएंगे चाइना में तो आफ्टर बिफोर 6 o'clock 6 बजे से पहले
कोई ट्रेन नहीं होती नाजक आने की, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि टिकट जो लेना है वो टिकट तो अगर चाइना वांगचू में पहुँची है आफ्टरनून को या मॉर्निंग को अगर पहुँची है तो ये इजी होगा कि आप लोग डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन से जाके एयरपोर्ट से जाके डायरेक्ट आप लोग ट्रेन स्टेशन तक जाए और सीधा आ जाए नानजिंग। और अगर आप लोगों ने रात की 10 बजे अगर आप पहुंच रहे हो तो उसके बाद 11, 12 टू 6 o'clock आप लोगों ने 8 hours 9 hours आप लोगों ने वेट करना है, वेट आप लोग करना पड़ेगा ट्रेन तक। और आफ्टर डेट फिर आप लोग का पूरा दिन ये भी एक्स्ट्रा इन चीज़ों में चला जाएगा। तो मोस्टली कोशिश करें कि टिकट आप लोग की आफ्टरनून की यहाँ पे पहुँचने की हो या सुबह की हो, तो ये इस पे आप लोग इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो। और उसके बाद जो है ट्रेन स्टेशन जो एयरपोर्ट है और जो ट्रेन स्टेशन है इसके दरमियान राउंड अबाउट 1 hour 1.5 hour की टैक्सी की टाइमिंग है। तो फिर आप लोग ने मतलब किसके थ्रू आप लोग आ रहे हो या जो आप लोग का हेल्प कर रहे हैं, आप लोग की आसियर हो या कोई सीनियर हो जो आप लोग का हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये वहाँ की टैक्सी वहाँ का रास्ते का फासला जो है वो इतना है। तो ये है आने का सिस्टम। और बाकी इसके बाद जो है इंशाल्लाह सेकंड बैच के स्टूडेंट भी आएंगे और सारे स्टूडेंट आएंगे इंशाल्लाह, सब दोस्तों के साथ यहाँ पर मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखना। और इसके बाद अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन और कोई बात होगी इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रहा और आप लोग कहते हैं हमें कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप लोग को जवाब देने की। तो अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।